अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर देखिए बच्चे कितने खुश हैं। इनकी खुशी का राज मैं अब आपको बता देती हूँ। हम जाने वाले थे तोलनकेरी लेक, यहाँ वो जगह का नाम है। और ये देखिए आयशा है ना, नई चप्पल पहनी करके वो भी दिखा रही है। लोग इतनी खुशी थी लोगों को कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी मंदिर थी और हम सब रिक्शे में बैठ गए थे जाने के लिए। बस रास्ते में है। और यहाँ का व्यू मैंने आपको वीडियो में दिखाई हूँ, कितना अच्छा यहाँ का व्यू है ना। और देखिए जो आगे रिक्शा जा रहा है वो भी हमारे लोग ही बैठे थे। और एक रिक्शे में हम बैठे थे, दो रिक्शा करके गए थे। और यहाँ पर गार्डन पहुँच गए थे, यानी तोलनकेरी लेक पहुँच गए थे। यहाँ पर टिकट लेना था, एक जन का 20 रुपया टिकट था। और यहाँ पर देखिए पानी भी आपको मिलेगी। और देखिए यहाँ पर अभी टिकट लेने के बाद सब अभी जाने लगे अंदर। ये देखिए यहाँ पर नाम भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है और कन्नड़ में भी लिखा है। अब यहाँ पर वॉचमैन को हम सब टिकट दिखाकर अंदर जा रहे थे। अब देखिए टाइम कुछ 4:30 के ऊपर हो चुका था। और यहाँ का व्यू देखो बहुत प्यारा है यहाँ का व्यू। और देखिए यहाँ पर कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, कितना सफाई है और हरियाली हरियाली आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए और हर किस्म के यहाँ पर प्लांट लगे हुए थे। अभी आगे आपको और देखने को मिलेंगे। मैं इसके दो पार्ट बनाने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में आधा रह
होगा ब्लॉग और दूसरे पार्ट में आधा ब्लॉग होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्क था तो इसके लिए। और अभी जब आए हैं तो पूरा ही वीडियो बताना अच्छा होता है, हर एक चीज़ यहाँ पर वीडियो बनाना ज़रूरी था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसके लिए मैंने क्या कि बहुत बड़ा ब्लॉग हो रहा था तो इसके मैंने दो पार्ट की हूँ। और यहाँ पर देखिए शाफ़ी और फहद झूला झूल रहे हैं, और ये देखिए बच्चों के खेलने के लिए कितने अच्छे अच्छे चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आप ये देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये पार्क था। और यहाँ हमारे देवर खड़े हैं और मेरे हस्बैंड भी वहाँ से जा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आयशा आपको नज़र आ रही है, आयशा हमें आवाज़ देके बुला रही थी कि मामी यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ से मेरा वीडियो बनाइए स्लाइड पे, अभी वो आने वाली थी। ये देखिए स्लाइड पे अभी आ चुकी है आयशा, ये देखिए कितनी खुश है ये। और ये दूसरे बच्चे भी यहाँ पर स्लाइड पे थे। और देखिए यहाँ पर इफ्रा और फुरखान शाफी सब झूला झूल रहे हैं। बच्चे जब खुश होते हैं तो बड़े भी खुश होते हैं बच्चों को देखकर, क्योंकि बच्चे अच्छा इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी हॉलीडेज चल रहा है तो बच्चों के यही दिन होते हैं। फिर जब स्कूल ओपन हो जाती है तो बच्चों को बस सिर्फ पढ़ाई ही होती है। हर एक गेम थे इधर पे, हर एक झूले थे, अच्छे से अच्छे स्लाइड थी। ये देखिए यहाँ पर ये अलग किस्म का कुछ गेम है। अब आयशा यहाँ पर बैठी हुई है, ये गोल गोल रिंग जैसा झूला है ये। और यहाँ पर इफ्रा झूला झूल रही थी, इफ्रा भी कितनी खुश है। और आप देखे होंगे फुरखान ने कितना अच्छे से बजा लिया, उसको कुछ बजाने के लिए लकड़ी वगैरह नहीं मिला तो पत्थर से काम चलाया, पत्थर से बजाने लगा, हाथ से बजाया। और यहाँ पर देख सकते हैं तालाब, यहाँ पर बहुत अच्छा बड़ा तालाब था और यहाँ पर उसमें स्वाइन भी थे। और ये देखिए ऊपर से है ना एरोप्लेन जा रहा था तो मैंने उसका भी वीडियो बनाई, कितनी नीचे से ये एरोप्लेन जा रहा था। यहाँ से यहाँ पर एयरपोर्ट है तो इसके लिए एकदम नीचे नीचे से ये एरोप्लेन जाने जाते हैं बोलकर मुझे ऐसा हमारे ननन ने बताए कि यहाँ से बहुत प्लेन जाते हैं। और यहाँ पर देखिए ना बादल, देखिए ना कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है ना यहाँ का।
मुझे ना, मैं यहाँ पर पूरे वीडियो में ज़्यादातर के बादल का ही वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि ना मुझे बादल बहुत यहाँ पर अच्छे लगे, एकदम खुला आसमान। और यहाँ पर तालाब देखिए कितना अच्छा है। और अब यहाँ पर देखिए फहद और फुरखान इसके ऊपर से नीचे आ रहे थे। बहुत अच्छी यहाँ के पिक्चर्स आए थे। और यहाँ पर देखिए तालाब में स्वैन भी थे, यहाँ पर मैंने जूम करके ली थी, ये देखिए। देखिए फिर से मैंने बादल का वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर बादल बहुत अच्छे लग रहे थे। और झाड़ ये देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा था यहाँ का। और बस यहाँ पर देखिए बच्चे सब एंजॉय कर रहे थे, झूला झूल रहे थे, कोई झूला झूल रहे, कोई स्लाइड पे हैं, कोई हर एक गेम बच्चे ने एंजॉय किए इसके ऊपर खेल करके। शाम तक बहुत खेले बच्चे। Oh, oh, oh.
आयशा को अकेला झूला झूलना था। और यहाँ पर देखिए सब बच्चे स्लाइड कर रहे, इफ्रा भी आ चुकी है यहाँ पर से, ये फहाद भी देखिए बच्चा बन गया। बच्चों के साथ बड़े भी इंजॉय कर लिए थे, बहुत अच्छा मज़ा आया। और यहाँ पर शाफ़ी देखिए गोल वाले में भी बैठी है, और ये देखिए सीसो फुरखान उसको ऐसा ही सीसो पे से छोड़कर नीचे आ गया। और यहाँ पर देखिए ये गोल वाले रिंग वाले झूले में शाफ़ी ठहरी हुई है। अब ये इसके ऊपर से चलकर जाना था, तो ये लोग सब बच्चे चलकर इसके ऊपर से गए। और ये देखिए आयशा को थोड़ा बहुत पहले पहले डरी, फिर बाद में एकदम बिंदास हो गई थी वो, फिर हर चीज़ इंजॉय की। स्लाइड पे भी पहले ये डरती थी करके हमारे आपा ने बताए थे, लेकिन अब देखिए इसका डर पूरा उड़ गया था और अच्छे से वो इंजॉय की। यहाँ पर देखिए फुरखान और शाफी इफ्रा फहाद लोग भी स्लाइड कर रहे थे इधर पर। एलोवेरा के सब प्लांट जल के एकदम सूख गए थे धूप की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत थी ना ये साल, इतनी गर्मी थी तो पूरे एकदम सूख गए थे। एकदम देखिए कैसे वाइट वाइट हो गए वो। और फिर हम यहाँ से दूसरे प्लांट देखने लगे, ये देखिए ये पता नहीं कौन से प्लांट है ये। और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा झाड़ है, इधर पे इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी ना, बहुत एकदम सुकून लग रहा था। और हम ज़्यादा धूप के टाइम नहीं निकले थे, हम यहाँ पर 4-4:30 बजे के टाइम आए थे, क्योंकि धूप यहाँ पर थोड़ी हल्की कम हो जाती है। और ये देखिए यहाँ पर जिम इक्विपमेंट्स है, तो ये सब यहाँ पर बच्चे इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर देखिए कि हमारे आपा वो कर रहे थे, उनका फेस तो मैं नहीं ला सकती, बस इतना थोड़ा बहुत मैंने वीडियो में ली हूँ। और अब यहाँ पर बच्चे सब एक एक करके हर एक चीज़ को एंजॉय किए, बहुत एंजॉय किए, बच्चे थक गए थे घर पर आने तक। और मैंने यहाँ पर जो हम लोग यहाँ घूमने के लिए गए थे ना, मैंने इसके 2 पार्ट बनाने वाली हूँ ये व्लॉग के, क्योंकि ये बहुत बड़ा व्लॉग था तो मैं एक साथ नहीं डाल सकती, तो ये फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट मेरा इंशाल्लाह कल तक आ जाएगा। और ये देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं,
और मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे फ़रा खान चैनल पे, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग आप तक पहुंच सकें। फिर अगले पार्ट में मिलती हूँ, यही ब्लॉग का अगला पार्ट आएगा कल इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए दिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।